He's got the whole world in his hands. So hey guys, and welcome back to another exciting podcast of Revision Podcast, the number one podcast of this metaverse universe. आज यार थोड़ी सी एनर्जी लो रहेगी बिकॉज हम लोगों को पता है हमारी इंडस्ट्री ने, कॉम्बैट इंडस्ट्री ने एक जैम खो दिया है, एक ऐसा माइंड खो दिया है जिसने रेसलिंग को एक न्यू डेफिनेशन दी थी इन टू द वर्ल्ड ऑफ भाई सोशल मीडिया भी. उसने जो वो हॉरर गिमिक्स थे एंड कुछ यूनिक स्टोरी लाइन्स थी जो कि विदाउट टाइटल चलती है, उनको उसने असलियत में बिल्ड किया था. अभी टेरी फंक गुजरे थे, बट टेरी फंक की एज थी, ठीक है, उन्होंने सब कर लिया था अपने करियर में. बट यार ब्रे वायट हमारे विंडम, उनका यार अभी बहुत कुछ बाकी था. एंड यार वो ट्रेजिकली पास अवे हो गए ड्यू टू द हार्ट अटैक, और ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेजिक थी, ठीक है. एंड आज के पूरे भाई आज का जो पॉडकास्ट है ये क्विज पॉडकास्ट होने वाला है, काफ़ी फन होने वाला था, बट यार ये ट्रैजिक न्यूज़ आई और हम सबका भाई दिल यहाँ से टूट गया. सच में यार बहुत बड़ा शौक था हम सबके लिए. एंड अभी जय के भी थोड़े से रिव्यूज़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्विज चालू करेंगे यार इस सिनेरियो को कवर करते हुए. तो जय भाई, आज काफ़ी सैड नोट पर हम लोग पॉडकास्ट को चालू कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे, मतलब कैसे पता लगा, क्या तुम्हारे थॉट्स हैं सब कुछ? यार ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी उसे बताया था कि मुझे सुबह पता लगा था अपने सर्कल से ही, मतलब ट्विटर वगैरह कुछ नहीं खोला था मैंने. मैंने देखा जैसे ही फ़ोन उठाया तो कुछ कॉल्स आई थी, कुछ मैसेजेस आए हुए थे, और वहीं से मुझे पता लगी ये वाली चीज़. और पता क्या होता है यार, जब कोई चीज़ कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो ना, एक्सपेक्ट भी क्या यार, हम सोच ही नहीं रहे थे. मतलब हफ्ता भर पहले तो ये चीज़ सामने आई थी कि भाई अभी बस अब तो कुछ ही टाइम बचा कि ब्रेव वाइट रिटर्न करने वाले हैं, होगी उनकी रिकवरी वगैरह, और पूरा मतलब ऑन द वे हैं वो रिटर्न के लिए. बट उसके बाद ऐसी चीज सुनना अचानक से, जब मतलब पता लग रहा है कि बस बंदा आने वाला है और अब वो दुनिया में ही नहीं है, तो मतलब पूरा दिन ही यार मूड फिर ऑफ सा था. बट उसके बाद जैसा मैंने वीडियो में बोला था कि मैं उनके एज अ ट्रिब्यूट उनके टॉप 5 मैचेस वाली वीडियो लेके आऊँगा, और जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने सोचा यार ब्रे वाइट ने मतलब जितने भी रेसलर्स हैं उनकी तरह, मतलब ब्रे वाइट ने भी हमेशा हमें एंटरटेन करने की कोशिश की अपने हर कैरेक्टर से. तो अब मुझे उनकी ये वीडियो सैड वे में नहीं बनानी चाहिए, जिस तरह उन्होंने एंटरटेन करके वो मैचेस दिए सारे हमें, तो उसी तरह मैं उसको लाइट मोड पर लेके जाता हूँ और उनकी जो ये उनका पूरा WWE करियर रहा है इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में भी हम आपको जितना एंटरटेन कर सकते हैं करें, ठीक है. हाँ, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें चल रही है माइंड के अंदर. बट एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा मैं, मतलब आज जो स्मैकडाउन का एपिसोड आया था जय, उसके अंदर हमने देखा था कि उस बहुत अच्छे से ट्रिब्यूट दिया है ना, एरिक रोवन भी वहाँ पे थे. उसके अलावा लास्ट का जो मोमेंट है वो लालटेन के साथ में और रिंग के अंदर कोई था, ठीक है, वो टाइटनट्रॉन थी या फिर वो रिंग के अंदर था मुझे क्लियर नहीं. कई लोग बोल रहे हैं कि वो बोर्ड एलिस थे एंड ऑल, तो आई वुड लव टू सी बोर्ड एलिस उनकी लेगेसी को आगे लेके जाए. आई वोंट से कि पूरा उनका गिमिक लेके आ जाए, बट आई वांट कि यार वो, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स थे कि बोर्ड एलेक्स फीड बनेंगे, तो आई वांट जो क्रिएट किया है, जो विजन है हमारे विंडम का, हमारे ब्रे वाइट का, उसको आगे लेके जाए वो, और बहुत अच्छे से शाइन करे यार उस चीज़ को. जैसा कि हमने देखा भी था एडी की डेथ के बाद रे मिस्टीरियो को उनका पुश मिला था, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए मिला हो, बट बोर्ड एलेक्स डिजर्व करता है क्योंकि उन्होंने एज फीड भी परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, मतलब कभी कभी सब्स्टिट्यूट में उन्होंने एज फीड भी परफॉर्म किया हुआ है. एंड उनका भाई गिमिक चल ही रहा था अंकल हाउडी वाला, हमें सबको पता है अंकल हाउडी है वो, तो एंड में सब कह रहे थे कि वो अंकल हाउडी खड़े थे, ठीक है, क्योंकि बो डैलिस इज लाइक ट्रिब्यूटिंग हिज ओन ब्रदर. सो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं आपके लिए WWE स्पेशल क्विज. एंड भाई आज हमारे साथ एक होस्ट भी है, और तुम्हारे लिए स्पेशली हमने भाई नंबर वन बंदा मंगवाया इस हमें होस्ट करने के लिए. मतलब आज के हमारे जो कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर टीम नयन वर्सेस टीम जय हो रहा है, ठीक है, आसपास में आप पहले बता देना भाई अगर कोई देख रहे हो कि कौन जीतेगा. हाँ. इसको हम लोग ना प्रीमियर कर रहे हैं और देखते हैं भाई कौन किसके साइड है और कौन जीतता है, ठीक है. तो टीम जय एंड टीम नयन यहाँ पे स्पैम हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है ना, चैट सेक्शन के अंदर. एंड गाइज, जिसको हमने बुलाया है वो है इस इंडस्ट्री की गीता माँ, तो हमारी गीता माँ को बुलाते हैं हम. तो गीता माँ आ जाइए. हेलो. नंबर वन से रोमन रेंस समझे क्या? आदर्श है.
हम आदर्श की बात कर रहे थे यार, ये भी नंबर वन ही है यार अपना लौंडा, ऐसी बात है अपना लौंडा नंबर वन है भाई। तब से पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी की साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ गीता माँ हूँ, तो मुझे किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ, और जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएगा उसको मैं फेक WWE फैन घोषित कर दूंगा। और हाँ एक और चीज, जो हारेगा क्विज को ठीक है उसे लास्ट में एक डेयर करना पड़ेगा, जो कि मैंने सोचा तो नहीं पर सोच लेंगे अच्छा सा, क्योंकि हम बहुत ही क्रिएटिव समय के साथ। हाँ समय के साथ, एक्चुअली मैं तो सोच के नहीं आया। जो गेम है इसमें अपने WWE सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग प्ले होंगे, और हर थीम सॉन्ग 3 या 4 सेकंड में प्ले करूंगा, उसमें ही इनको गेस करना होगा कि किसका थीम सॉन्ग है। जो सही आंसर देगा उसको एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट यहां पे अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें द लेजेंड। ओके 3 2 1 फर्स्ट थीम सॉन्ग इज हियर। Oh my god. Done. Are you guys ready? 3 yes. 2 1 answers dikhao. Ray. It's Ray. Mysterio. Ray 619. The master yeah, of 619. Ray Boyeka, Mysterio, Boyeka. The ultimate lucha. To yep. Is music ko nahi bhul sakta bhai main kabhi. और क्या, अरे यार इसके लिए आदर्श, इसके लिए मुझे 5 points और नयन को 1 point ना, है ऐसा ही कुछ सिस्टम है। दोनों को मैं नेगेटिव पॉइंट दे दूंगा अगर इससे ज्यादा कुछ बकवास की तो। अच्छा ओके ओके गीता भाई, भाई होस्ट की सुननी पड़ेगी भाई। तो ये आप लोग का सेकंड सॉन्ग ये रहा। और एक बार सुनना है बिल्कुल क्या? हाँ बिल्कुल एक और बार सुनना चाहेंगे। और सुनना है तो बता दो ठीक है। हो गया देखो, अरे ऐसे थोड़ी होता है गाइस, 5 सेकंड की बात होती है। नहीं ठीक है, वी विल गिव हिम चांस, विल गिव हिम चांस, डोंट वरी। मेरे को सुनाई नहीं दिया कंट्री आवाज की सच में। चलो एक बार फिर से कर रहा हूं। इस म्यूजिक को कभी नहीं भूल सकते भाई, ये लेजेंड। अरे ये आ रहा है पर आ नहीं रहा है। ये तो मैंने सुना हुआ है बड़ी बात। चलो अरे यार जीत रहे हैं अपन भाई, अब मैं बड़ा जीत रही है यहाँ पे, रिग्रेट करने वाला हूँ मैं। तो भाई कौन है ये, पट्टी लेके तैयार हूँ मैं, कौन है? अरे ये अरे मैं पता 2004-5 में सोच रहा हूँ कुछ तो वैसे ही था, और ये म्यूजिक मैंने स्मैकडाउन पेन में बड़ी बार सुना हुआ है पर याद ही नहीं आ रहा कौन है ये भाई। देखो कुछ भाई मैं हिंट दूँ थोड़ा सा, योकोजुना हो सकता है। अरे अच्छा चलो चलो मैं एक अब ऐसी जब ये नाम सुनोगे तो रिग्रेट होने वाला। चलो मैं अब ऐसे ही नाम लिख लूंगा, गेस कर दो। हाँ गेस तुक्का मार दिया मैंने। 1 दिखाओ। Jeff Hardy, no words, yay! Shit. मैंने लिखा क्रिस बेनवा यार। Enigma. अरे यार क्रिस बेनवा की तो अल्टीमेट थी एंड भाई बट Jeff Hardy की कैसे थीम सॉन्ग भूल सकते हो? अरे यार मैं सोच रहा हूँ यार इतनी बार सुना है मैंने, पता नहीं कहाँ सुना है। अरे भाई अबे यार ये होता है मेरे साथ, थीम सॉन्ग्स के साथ हो जाता है यार। चलो ठीक है कोई नहीं, वी विल बी बैक। चलो नेक्स्ट। रेडियो हो गया भाई। मैट कार्डोना एके जैक राइडर, यस ब्रो एग्जैक्टली। ओ रेडियो काफी अच्छी एवरीथिंग यू नो टू थोड़ा मुश्किल लाया जाए यार। मतलब स्मैकडाउन अभी तो एक पॉइंट तो मिस कर चुके हो। एक तो मैं यार वही सोच रहा हूँ यार, ऐसा कौन सा म्यूजिक आएगा जो मुझे पता और नयन को ना पता हो यार। चलो नेक्स्ट। हाँ आज हाँ ठीक है एक मिनट। I'm sorry guys, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, बाकी तो मुझे पता है ये कौन है। और हमने बस टाइम खत्म हो गया ना आदर्श, टाइम खत्म है ना। चलो हो गया मेरा
मेरा लिखा नहीं गया, बट मैं बता दूंगा क्या है। लिखना होगा, देख वो बताने से नहीं होगा, लिखना होगा। अरे अरे तो पेन नहीं चल रहा यार। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने खून से लिखा जाए। ठीक है, चलो रेडी, 3 2 1 दिखाओ। ओह चावो, इट्स नाओमी, एम आई राइट? नाओमी नैन, व्हाट नैन ब्रो, यू आर रॉन्ग। मैं लिखूं? अरे यार, तुमने फील द ग्लो नहीं किया यार, फील द ग्लो। वो नहीं रखा कि वो फिर इजीली गेस कर लेते ना, वो ग्लो वाला सुन के। हाँ हाँ, शुरुआत का जो म्यूजिक था ना, वो यार डिवास के, यार क्यों पूछते हो, मैं सख्त लौंडा हूँ, जैक की तरह सिंप नहीं हूँ ना मैं। के साथ दोनों फिर से बराबरी पे आ चुके हैं, मतलब हाँ हम, we are back in the business। Hashtag guys, अभी स्पैम कर दो hashtag jazz the simp। चलिए तो आप लोगों का नेक्स्ट सॉन्ग है ये गीता मागी। अरे यार ये कैसे याद नहीं होगा, साला लाना थे अगर ये याद ना हो तो हम दोनों को, गधे हैं फिर तो हम सबसे बड़े, इंडस्ट्री छोड़ के चले, छोड़ देना चाहिए आज ही। चलो 3 2 1 दिखाओ। क्रिस जेरिको, Y2J, क्रिस जेरिको, ब्रेक द फर्स्ट नाउ, बूम, ब्रेक डाउन द वॉल्स। और भाई यू आर ऑन द लिस्ट, नेक्स्ट सॉन्ग इज ओके। अरे मुझे सुनाई नहीं दी, कट गई आवाज। हाँ एक बार सुनाना है फिर से। यही है, इतना ही है, 2 सेकंड का हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। आई थिंक मतलब मेरा एक गुड गेस हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ पर। ठीक है चलो देख लो, पहला ही क्विज का मैच है, पहला ही हारना। आई हैव रिटन माय आंसर, दिखाओ। Submission Machine Samoa Joe. Samoa Joe, yes, yes, yes. Am I right or am I right? पर गीता, good guess. शुक्र है यार, शुक्र है, शुक्र। पर गीता माँ, मुझे मुझे देखो, 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 मुझे ज़्यादा point जाने चाहिए, because मैंने मतलब friction of seconds के अंदर guess किया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। I'm just saying, bro. I'm just saying. ऐसा कुछ नहीं, हम proper time देंगे उनको सोचने की, आपको। हाँ, बिल्कुल। Thank you so much, host. हम host को नमन करते हैं। दोनों उछल के लिखने के लिए गए। दिखाओ। इट्स डॉक्टर ऑफ ट्रिगोनोमिक्स नाका मोरा। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप। नहीं, शिंस्के नाका मोरा नहीं है। अरे डॉक्टर ऑफ थर्गनॉमिक्स जॉन सीना, शिंस्के नहन ने बोला। अरे रिटायर हो जाओ ब्रो, रिटायर हो जाओ। मैं सही हूँ? अरे अरे जय, तुम सही हो। आप सही हो, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई है। अपना बोरिया बिस्तर बांधे और निकल जाए। जो टीम नयन में, मेरी बहुत ज्यादा आपके साथ हमदर्दी है, मेरी भी, आदर्श की भी। नेक्स्ट सॉन्ग इज, ठीक है। ओ, ये तो इजी था। द चोजन वन, ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर, द स्कॉटिश वॉरियर, एग्जैक्टली। ये कौन है? ठीक है, डन। क्या था ये? डन 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 डन। फिर से सुनाना एक बार। डन। मैं जानता ही नहीं, मैं मेरे को नहीं लगा था तुम्हें पता, और शायद पहचान में भी नहीं आ रहा। मैं तुक्का ही मार सकता हूँ, अब तो कुछ मेरे को पता नहीं है क्योंकि। दिखाओ। एलेक्सा ब्लिस है क्या? मॉर्गन। कौन? लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन इज द राइट आंसर। ओह शिट। टीम नयन, वी आर बैक। हमने यहाँ पे जैक को दिया है 619। तो ओब्लिवियन दे दिया हमने भाई को। मुझे अब पता कैसे याद आया, अब हंसने की आवाज आई और मुझे याद आया, मनी इन द बैंक कैश इन और माइकल कॉल का रिएक्शन। ओ यार, मुझे 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 भी वहीं से आया, मुझे भी वहीं से आया। जय श्री राम।
मुझे लग रहा है किसी की है ये, किसकी है? एक बार वापस से प्ले करोगे? अब मैं को पक्का लग गया, बता कौन है। अब मैं लिख सकता हूँ, समझ गया मैं। ठीक है, लिख दें ऐसे ही। मैं तुक्का मारा है। वन दिखाओ। इज इट फिन बैलर? फिन 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 बोलो फिन, ये सच है? कहो, कह दो ये सच है। चने की ये कौन सा वाला वाला फिन है, जेडी वाला है या फिर नॉर्मल वाला? नहीं नहीं नॉर्मल वाला है ये, मेरे को लग रहा। आई थिंक जेडी, आई थिंक जेडी, जेडी मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है यार। करेक्ट। ओ जेडी है। करेक्ट। ओ जेडी है ओ यार। यस ब्रो, भाई भाई भगवान जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, डन डन डन। शार्लेट फ्लेयर? ओ रिक फ्लेयर की बेटी। एग्जैक्टली। बिगेस्ट नेम, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन WWE, दिखाओ। इट इज द हल्कस्टर, हल्क होगन, द फर्स्ट फेस ऑफ WWE। ये है ना, मैंने ट्रिपल एच की मैंने पता है ट्रिपल एच की ओल्ड थीम सॉन्ग सोचा, वो थोड़ा सा ऐसा था और मेरे दिमाग में उससे पहले आ रहा था डॉल्फ ज़िगलर, क्योंकि थोड़ा सा रिदमिकली सेम था। हो गया। अल्बर्टो डेल रियो। ये यस ब्रो, अगर दोनों में से कोई आंसर नहीं दे पाया तो मतलब जय जय जीत जाएंगे। ये क्या है भाई, नहीं सुने। चलो करो। थ्री ठीक है, टू वन दिखाओ। टेड डीबियासी, मिलियन डॉलर मैन। मिलियन डॉलर मैन, जय ब्रो। यस टेड डीबियासी। अरे भाई, मतलब इसी के साथ हमने जीत लिया ये तो। टीम जय, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया। जिसको अगली क्विज के लिए अपनी टीम बदलनी है, आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने जीत लिया, यानी कि नयन को एक डेयर करना पड़ेगा, या फिर हाँ हम डेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आदर्श चाहेगा वैसे, या मैं दूँ? जो जीता है उसको ही देना चाहिए। क्या कराया जाए यार आपसे? यस ब्रो। भाई कुछ भी करा लो यार, कुछ भी करा लो यार, कुछ ज्यादा हार्ड मत करा देना भाई, कहीं बोलो टॉक कर लो तो वो तो ना हो पाएगा। अपने व्हाट्सएप पे जाके किसी भी पुरानी या अभी की किसी भी फीमेल फ्रेंड को मैसेज करना है, ठीक है, और ठीक वो है। तीन सुनहरे शब्द लिखने हैं। मेरी एक बात, एक काम करते हैं, रेदर आई विल कॉल, क्योंकि अभी जो मेन फोन है उससे रिकॉर्डिंग चल रही है, मम्मी का फोन है, तो मम्मी के फोन में से आई विल जस्ट कॉल और प्रपोज कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कर दो कर दो। हेलो कैसे हो? आई एम जस्ट राइट नाउ रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आई लव यू। यही थी हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्विज, और होपफुली यार आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरा ट्राई किया, ठीक है, आपको जितना एंटरटेन कर सकते हैं इस वीडियो से, और हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि आपको ऐसे भी आगे भी एंटरटेन करते रहें और ज़्यादा पार्ट्स लाएं। अगला आप कौन सी क्विज देखना चाहते हो, किस पे बेस्ड, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप अपनी भी क्विज भेजना चाहते हो तो मेल वगैरह हमारी होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वैसा कर दोगे फिर तो भाई आदर्श का काम ही बच जाएगा, ठीक है, तो बता देना, ठीक। बाकी नॉर्मल पॉडकास्ट भी आएंगे, क्विज वाली सीरीज भी आएगी, अगर आपको डार्क वाली सारी चीज़ें देखनी है तो वो भी सीरीज हम अलग से निकालते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ रैपअप करते हैं अब इस वीडियो को। मैं जीत चुका हूँ, द विनर इज जय, लेकिन जिंदगी में जीत गए नयन भाई, जिनसे हमने डेयर करवाया और सक्सेसफुल डेयर हो गया यार, ठीक है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल देना, ठीक है, सारे कॉमेंट करके, और ठीक है फिर, बाय बाय टाटा। ये हूँ मैं, वो है जय और आदर्श, एंड वी आर साइनिंग आउट।